दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुमाइल है, आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड टेक न्यूज़। आज मैं करूंगा कंप्लीट कैमरा रिव्यू हमारे पिक्सल 4 का। देखेंगे कि 2024 में से जो कैमरा है कैसा है। बात करूँ इस फ़ोन की तो ये फ़ोन पाकिस्तान में 30,000 के राउंड अबाउट PTA पैच अप्रूव मिलता है। लेट्स सी, यहाँ पर आपको बैक पे दो कैमरे मिलते हैं, फ्रंट पे आपको एक कैमरा मिलता है। अब चलते हैं वीडियोज़ पे, पिक्चर पे, एंड में बात करेंगे कंक्लूजन की। सो दोस्तों ये वीडियो बन रही है इसके मेन कैमरा से फुल HD 30 फ्रेम पे। स्टडी मोड को मैंने ऑन किया हुआ है, कलर्स वगैरह अच्छे हैं, डिटेलिंग वगैरह अच्छी है, ओवरऑल वीडियो अच्छी बना रहा है। अब ये अगेन इधर सनलाइट वीडियो बन रही है, अगर मैं इस तरफ करूँ तो इस तरफ आप देख सकते हैं कि कलर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, डिटेलिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ले लेता है, ओवरऑल वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन रही है। अगर हम जूम करके देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जूम भी यहाँ पर 8x तक प्रोवाइड कर देता है। ओवरऑल यहाँ पर जो वीडियो है वो अच्छी बन रही है, जो डायनेमिक रेंज है वो भी ठीक है, एक्सपोजर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर लेता है, और यहाँ पर आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि वीडियो जो है फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छी बना लेता है। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। सो दोस्तों ये वीडियो बन रही है फुल HD 60 फ्रेम पे। अब यहाँ पर आपको स्टडी मोड का ऑप्शन मिलता है 60 फ्रेम पे, और कलर्स वगैरह ठीक हैं, डिटेलिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ले लेता है, ओवरऑल वीडियो अच्छी बना रहा है। थोड़ा सा क्रॉप सेंसर कर दिया है 60 फ्रेम पे आते ही, यहाँ पर आपको 2x का ऑप्शन मिल जाता है वीडियो के अंदर, आप स्विच कर सकते हो 60 फ्रेम पे, और ओवरऑल वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बना रहा है, डिटेल वगैरह ठीक है, 60 फ्रेम पे आती, फ्रेम्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। सो दोस्तों ये वीडियो बन रही है 4K 30 फ्रेम पे। अब यहाँ पर 4K 60 फ्रेम का ऑप्शन नहीं है, 30 फ्रेम का ऑप्शन ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीडियो कैसी बन रही है। यहाँ पर मुझे स्टडी मोड काम करते हुआ दिख नहीं रहा, स्टडी मोड जो है वो इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा, और ओवरऑल वीडियो ठीक ठाक बन रही है, एक्सपोजर वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर रहा है, बस हिल रही है काफ़ी वीडियो, तो ट्राईपॉड आपको यूज़ करना पड़ेगा 4K वीडियो के लिए। ओवरऑल कलर्स वगैरह अच्छे हैं, डिटेलिंग वगैरह अच्छे। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। सो दोस्तों ये वीडियो बन रही है इसके फ्रंट कैमरा से। फ्रंट कैमरा में सिर्फ फुल HD 30 फ्रेम का ऑप्शन है, कोई भी 60 फ्रेम का ऑप्शन नहीं है। कलर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, डिटेलिंग वगैरह अच्छी है। अब देखते हैं, सनलाइट मेरे बिल्कुल ऊपर है तो यहाँ पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बैक लाइट HDR आप चेक कर सकते हैं कैसा काम कर रहा है। ओवरऑल यहाँ पर वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बना रहा है, कलर्स वगैरह ठीक है, डिटेलिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन सिर्फ फुल HD 30 फ्रेम है तो ये कॉम्प्रोमाइज़ है। इसके अलावा डिटेलिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर। सो दोस्तों ये पहली पिक्चर है, डे लाइट कंडीशन में ली गई पिक्चर है इसके मेन कैमरे से। आप देख सकते हैं कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो ट्री के कलर हैं आप देख सकते हैं कि जहाँ पर डार्क ग्रीन है वहाँ पर डार्क ग्रीन, जहाँ पर लाइट ग्रीन है वहाँ पर लाइट ग्रीन, ऊपर से जो कंटेनर का कलर है वो भी देख सकते हैं, और जो स्काई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से शो हो रहा है। अब इसी जगह पे मैंने इसका 2x कैमरे से पिक्चर ली थी, आप देख सकते हैं 2x कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करता है, टेलीफोटो जो कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करता है, कलर्स वगैरह अच्छे हैं, डिटेलिंग यहाँ पर भी अच्छी मिलती है। डे लाइट कंडीशन में इसका टेलीफोटो लेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करता है। बात करूँ कुछ डे लाइट पोर्ट्रेट की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सूरज बिल्कुल ऊपर था और थोड़ा शेडो भी आ रहा था, उसके बावजूद जो इसका पोर्ट्रेट है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करता है, डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। शर्ट के कलर देख सकते हैं कि नेचुरल रखे हैं, यही ओरिजिनल शर्ट के कलर थे। इसके बाद बात करें एक और पिक्चर की तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सही से अंदाज़ा हो रहा होगा कि अगर सही लाइटनिंग मिले तो इसका जो पोर्ट्रेट मोड है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये इतने सस्ते फ़ोन की पिक्चर है, ऐसा लगता है किसी आपने प्रोफेशनल DSLR से पिक्चर ली। देख सकते हैं बैकग्राउंड ब्लर कितना अच्छा है, जो चेहरे पर डिटेल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बात करें एक और पिक्चर की तो ये भी मैंने थोड़ी सी दूर से ली थी, यही पोर्ट्रेट में ली गई पिक्चर है। सूरज बिल्कुल आसमान पे था, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सर पे सूरज होने के बावजूद यहाँ पर जो डिटेल है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। शर्ट के कलर पीछे जो ब्लर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड किया हुआ है, और ओवरऑल जो डिटेलिंग काफ़ी अच्छा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और मेरी पिक्चर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पर जो कलर हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ओवरऑल ये पिक्चर देख के कोई भी नहीं बता सकता कि ये इतने सस्ते फ़ोन की पिक्चर, ऐसा लगता है कि किसी आपने प्रोफेशनल DSLR से पिक्चर ली है। बात करूँ एक और पिक्चर की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पीछे लाइटनिंग है, जो कार पे लाइट आ रही है वो हल्की सी जो है ना मेरे चेहरे पे आ रही है, मतलब जो मेरा जो शर्ट है उसको हल्का सा जो है ना वो डिस्टर्ब किया है। ओवरऑल जो पिक्चर है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, डिटेल वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, मेरे चेहरे की कलर वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक और पिक्चर की बात करें तो ये भी पोर्ट्रेट मोड पर ली गई पिक्चर है, यहाँ पर भी अगेन आप देख सकते हैं कि डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, चेहरे पर जो डिटेल है, शर्ट के जो कलर हैं वो भी नेचुरल हैं, ओवरऑल पिक्चर काफ़ी ज़रा अच्छे से ले लेता है।
अब बात करूँ एक और पिक्चर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो पिक्चर है अच्छी है, कलर्स अच्छे हैं, चेहरे पे जो ये पिक्चर क्लिक करने के बाद जो ऑप्टिमाइजेशन करता है, जो इसका गूगल का जो मैजिक है वो इसके अंदर डालता है, तो उसके उससे जो पिक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। बात करूँ सेल्फी कैमरे की, तो सेल्फी कैमरे काफ़ी अच्छा काम करता है, ये विदाउट पोर्ट्रेट मोड की पिक्चर है, कलर्स अच्छे हैं, चेहरे की जो डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है, बैकग्राउंड पे जो पेड़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है, ओवरऑल जो डायनेमिक रेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब इसी इसी जगह मैंने पोर्ट्रेट मोड की पिक्चर ली है, पोर्ट्रेट मोड भी देख सकते हैं कि काफ़ी, पोर्ट्रेट मोड पर आते ही जो चेहरा है वो थोड़ा सा जो है ना हल्का सा ब्यूटीफाई हो जाता है, कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं, पोर्ट्रेट मोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करता है, फ्रंट कैमरा भी हल्का फुल्का जो एज डिटेक्शन में हल्का फुल्का तो इशू आता है, बाकी ओवरऑल जो पिक्चर है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब बात करूँ लो लाइट में, तो लो लाइट में देख सकते हैं कि यहाँ पर लो लाइट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी पिक्चर लेता है, कलर्स भी अच्छे हैं, डिटेलिंग अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पिक्चर है पेड़ से मेरे जो फेस के फेस है, इसके अलावा ओवरऑल जो सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कैप्चर किया है। बात करें एक और पिक्चर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी पिक्चर मैंने विदाउट नाइट मोड के ली गई पिक्चर है, नाइट मोड मैंने अलग से ऑन किया था, ये फिलहाल नाइट मोड के बगैर ली गई पिक्चर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी पिक्चर आई है, कलर्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, डिटेलिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हम बात करें एक और पिक्चर की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो मेरे चेहरे के कलर्स हैं वो अच्छे हैं, डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ओवरऑल पिक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, जबकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना कम लाइट थी उसके बावजूद यहाँ पर जो पिक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है। अब बात करूँ एक और पिक्चर की, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो पिक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है, चेहरे के जो कलर हैं वो अच्छे हैं, डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लगता है, लो लाइट में भी जो पिक्चर क्वालिटी है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है इस फ़ोन की, ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी पिक्चर लेता है। अब बात करें कुछ लो लाइट के पोर्ट्रेट मोड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पोर्ट्रेट मोड पर पिक्चर ली थी लो लाइट में, आप देख सकते हैं कि लो लाइट में जो पोर्ट्रेट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जो है ना ये प्रोवाइड करता है, यहाँ पर मेरे शर्ट की डिटेल, बैकग्राउंड ब्लर को मेरे ऑब्जेक्ट सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से किया है, ओवरऑल जो पिक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लेता है। बात करें एक और पिक्चर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लो लाइट में जो पोर्ट्रेट मोड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करता है, कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, चेहरे की डिटेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लेता है, ओवरऑल यहाँ पर जो पिक्चर क्वालिटी है लो लाइट में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। बात करूँ एक और पिक्चर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये विदाउट पोर्ट्रेट मोड की पिक्चर है, ये मैंने जो है नाइट मोड ऑन ऑन करके पिक्चर ली है, तो यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं कलर्स वगैरह कैसे हैं, मेरे चेहरे के कलर वगैरह, डिटेल वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ओवरऑल पिक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छी और डिटेल पिक्चर ली है। बात करूँ कुछ स्काई शॉट की, तो यहाँ पर मैंने स्काई का शॉट लिया, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है वो यहाँ पर जो है ना बिल्कुल गुप अंधेरा था, से हल्की सी लाइट आ रही थी और मैंने इसको लो लाइट में करके लिए, तो यहाँ पर जो पानी है वो भी दिख रहा है, आसमान भी सही से दिख रहा है, ओवरऑल पिक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बात करें एक और पिक्चर की, तो ये मैंने आसमान की पिक्चर ली थी, काफ़ी ज़्यादा डार्क था सिनेरियो, नाइट मोड ऑन करके ली थी, नाइट मोड ऑन करने के बाद देख सकते हैं क्या बादल वगैरह सही से दिख रहे हैं, आसमान जो है ना बिल्कुल सही से विजिबल हो गया है और कलर्स वगैरह भी ठीक ठाक यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है। हम बात करूँ एक और पिक्चर की, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसको लाइटिंग अच्छी मिले, थोड़ी सी लाइटिंग भी मिलती है तो ये इसका जो नाइट कैमरा है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है, पिक्चर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेहरे की डिटेल कितनी ज़्यादा अच्छी है। बात करूँ एक और पिक्चर की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कलर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ये नाइट मोड ऑन करके पिक्चर ली गई, नाइट मोड ऑन करने के बाद जो पिक्चर है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगा कि ज़्यादा लो लाइट हो जब भी नाइट मोड ऑन किया गया, वरना इसका जो मेन कैमरा है विदाउट नाइट मोड भी काफ़ी अच्छा काम करता है। बात करूँ सेल्फी की, तो नाइट में जो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये जो है वो नाइट में ली गई पिक्चर है, और मैंने यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड पर पिक्चर ली है, तो सेल्फी कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे पसंद आया इसका, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करता है, कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अब एक और सेल्फी की बात करूँ, तो ये भी मैंने नाइट में लिए है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी पिक्चर आती है, कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और ये नाइट मोड के विदाउट नाइट मोड पिक्चर ली है, तो यहाँ पर जो सेल्फी कैमरा है 8 मेगापिक्सल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है इस फ़ोन का। दोस्तों पिक्चर्स और वीडियो आपने देखी, बात करूँ कंक्लूजन की, तो यार इसका कैमरा बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करता है, चाहे लो लाइट हो चाहे डे लाइट हो, पिक्चर्स बहुत ज़्यादा अच्छी आती हैं, वीडियोस भी ठीक ठाक बना लेता है, अच्छी वीडियोस बना लेता है, एक्सपोजर वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हैंडल करता है, लेकिन 4K 60 FPS का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, और फ्रंट पे सिर्फ और सिर्फ फुल HD 30 फ्रेम का ऑप्शन है, और कोई भी फ्रंट पे ऑप्शन नहीं मिलता। इसके अलावा वीडियोज़ वगैरह अच्छी हैं, कलर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, वीडियो में आपको 2x का जूम भी मिल जाता है, मतलब जो टेलीफोटो लेंस है उस पर भी आप शिफ्ट कर सकते हो, वीडियो के अंदर इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है, लेकिन काम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करता है, ओवरऑल
अगर लाइटनिंग थोड़ा इशू करती है तो यहाँ पर जो डिटेल है थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं खास तौर पे लो लाइट में, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर और वीडियो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये फ़ोन वन ऑफ द बेस्ट कैमरा लेकर आता है अंडर 30 के, तो हाईली रिकमेंडेड है। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।